खबर राजस्थान के उदयपुर से, जहां छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना के बाद से जिले में तनाव की स्थिति है और इसी को देखते हुए उदयपुर शहर में आज सभी स्कूलों विश्वविद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात भी कही गई है। इसके अलावा पूरे शहर में धारा 163 लागू है और अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड रहेगी। धारा 144 भी लागू की गई है। वहीं प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आसपास के जिलों में पुलिस फोर्स, ASP, DSP और इंस्पेक्टर को बुलाया है। साथ ही RAC की 5 कंपनियों को भी मौके पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कल उदयपुर में एक सरकारी स्कूल में 2 छात्रों के बीच झगड़े के दौरान एक समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। उदयपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सरकारी स्कूल के 2 बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद दोनों ही बच्चों के परिवार वाले मौके पर आ गए और दोनों ही पक्षों में इस तरह की झड़प देखने को मिली, आगजनी का मंजर नजर आया और यही कारण है कि RAC की 5 कंपनियों को मौके पर तैनात किया गया है। 2 बच्चों के झगड़े के बाद उदयपुर में जिस प्रकार से अफवाह फैली, उसकी वजह से लेक सिटी का माहौल एक बार फिर बिगड़ गया और शुक्रवार को उसी से गुस्साई भीड़ ने उदयपुर शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ मचाई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अरवाना मॉल जो है उसकी तस्वीर है, जहां पे गुस्साई भीड़ जब निकली यहां से तो इस मॉल पे पथराव करते हुए आगे बढ़ गई। इस मॉल में भी अंदर घुसने की कोशिश की, अंदर नहीं घुस पाए लेकिन तोड़फोड़ करके और यहाँ से फिर आगे की तरफ वो निकल गए। आप देख सकते हैं कि गुस्साई भीड़ ने मॉल के जो भी दुकानें वगैरह हैं उसके कांच वगैरह तोड़ दिए हैं और यहाँ से आगे निकल के एक पल्टन मस्जिद है वहाँ पे भी पथराव किया, उधर भी एक आगे मॉल है वहाँ भी पथराव किया और बाद में रास्ते में कई गाड़ियों को भी आग लगाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी मचाई। फिलहाल अगर आप देखें शहर में शांति तो दिख रही है लेकिन अभी भी तनाव है, क्योंकि जो दुकानें सुबह से खुल जाती हैं वो अभी तक नहीं खुली हैं इन इलाकों में। एक तरह से आप देखें कि जो एसेंशियल दुकानें हैं वो भी अगर आप देखें इन इलाकों में बंद है, जैसे दवाई की दुकान है वो भी आपको यहाँ बंद नज़र आ रही होगी, क्योंकि कल जिस प्रकार से शुक्रवार को जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा लोगों में अभी भी टेंशन है।